काश काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं सब पैसे उमर और मामू को दे देता। और अपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम धो डालता। किसी ने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया हमसा, आप क्यों ऐसे सोचते? इंसिडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमशा, ऐसे सिर्फ तुम्हें लगता है, दूसरों को ये सब कुछ नहीं लगता। वो आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं हमजा? 5-6 लाख की तो बात है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे लिए। डोंट वरी, आई टॉक टू बाबा एंड मोर भाई, वो लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। वाकई में हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि 5-6 लाख उम्र और मामू के लिए इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, तो इस चीज पे इतना ज्यादा हंगामा क्यों? थैंक यू। पता है ये सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ। 5-6 लाख का सुन के उसके तो जैसे कान ही खड़े हो गए थे। उसने पता नहीं मामू को जाके क्या क्या कहा, उनके कान भरे। उसको तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उमर का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। सही कह रहे हो, तंग आ गई हूं मैं भी नेहा की इन हरकतों से। पता नहीं उसे क्या हो गया हमजा, क्यों हमारी दुश्मन बन गई है वो। मामा से बात करो, वही समझा सकती हूँ उसे। अच्छा अब सोचो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, तुम टेंशन ना लो, सो जाओ। चलो थैंक यू। यू आर वेलकम। Assalamu alaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AYDigital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.